स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हु इज़ द बेटर फॉर इंडिया, ट्रंप और जो बेटर। दोस्तों अमेरिका के इलेक्शन चल रहे हैं और पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है कि भाई कौन जीतेगा और कौन किसके साथ होगा। तो इसलिए हम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर हो सकते हैं या फिर जो बेटर है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कुछ मेरे पास आंकड़े हैं जिससे मैं बताऊँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट में से कौन सी पार्टी है जो भारत के साथ ज़्यादा सॉफ्ट रह सकती है, और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी होगी या फिर जो बाइडन की। तो दोस्तों शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी जाना हो जाता है कि ये दोनों पार्टियाँ, क्योंकि अमेरिका में दो पार्टियाँ ही इलेक्शन लड़ती हैं जिनमें से रिपब्लिकन जिसके वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और डेमोक्रेट जो जो बाइडन की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिकन का जो कलर है वो रेड है और डेमोक्रेट पार्टी का कलर नीला है यानी ब्लू। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, हाथी रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह है और गधा चुनाव चिन्ह डेमोक्रेट्स का। ठीक है, क्योंकि सबके एक अजीब तरह का ये चिन्ह है, लेकिन चिन्ह एक इलेक्शन सिंबल होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेट का याद रखेगा जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है और रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह है वह हाथी है। अब देख लेते हैं कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के जो प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, उनमें रिपब्लिकन की बात करें तो अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, पूरी दुनिया जानती है और भारत में बच्चा बच्चा भी जानता है अब्राहम लिंकन को। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज बुश, फिर रिचर्ड निक्सन, टेडी रूजवेल्ट, ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं। अब डेमोक्रेट पार्टी के प्रसिद्ध राष्ट्रपति की बात करें तो ओबामा जी जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति थे और दो बार लगातार राष्ट्रपति हुए हैं। उसके बाद बात करें तो बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर जैसे राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टी के थे। ठीक है, अब बात करते हैं कुल सदस्यता। ठीक है, अमेरिका में इन दोनों पार्टियों की कुल सदस्यता कितने सदस्यों की है, तो बात करते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी की जो कुल सदस्यता है 2017 के आंकड़े से वो 32.8 मिलियन पीपल के लोगों ने सदस्यता ली हुई है रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की। और डेमोक्रेट की बात करें तो डेमोक्रेट पार्टी की जो सदस्यता है वो 44.7 मिलियन लोगों ने ली हुई है। क्यों इतनी ज़्यादा, इसका भी एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो सबसे पहले अस्तित्व में आई अमेरिका में सन 1824 में, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और रिपब्लिकन पार्टी सन 1854 में, यानी कि 30 साल का डिफरेंस है। ये 30 साल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, जिस प्रकार भारत में भारतीय जनता पार्टी बाद में आई और कांग्रेस पार्टी पहले आई। ठीक है, लेकिन भारत में उल्टा है, भारत में जो पार्टी बाद में आई है उसकी सदस्यता ज़्यादा हो रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे ज़्यादा सदस्य। अब बात करते हैं जो इन पार्टियों के मजबूत राज्य हैं, जहाँ पर लगभग ये तय रहता है कि ये राज्य इन पार्टियों के काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और लगभग इन राज्यों में इन्हें पूरा वोट मिलेगा, कौन कौन से हैं। रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो इनके मजबूत राज्य हैं वो है ओक्लाहोमा, कैनसस और टेक्सास। और उधर दूसरी तरफ बात करें डेमोक्रेट की, तो डेमोक्रेट के मजबूत राज्य हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स। ठीक है, ये तीन राज्य, इसके अलावा अन्य भी हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत राज्य हैं जहाँ पर ये 100% अपने वोट हासिल कर लेते हैं। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी है, इसे अमीरों की पार्टी कहा जाता है। जो वर्तमान के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो खुद एक उद्योगपति हैं, आप जानते होंगे। जबकि इसके उल्टा डेमोक्रेट पार्टी एक मिडिल मध्यम वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब कुछ मुद्दे हैं जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी को किस तरह से अलग करती है। जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी का जो लोगों को आकर्षित करने का एक रहता है, तो किस धर्म के लोगों को ज़्यादातर आकर्षित करती है। वर्तमान में समय में देखें तो इंडियन जो पीपल रहते हैं अमेरिका में, वो पहले डेमोक्रेट को वोट देते थे, लेकिन मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हाउडी मोदी और अमेरिका में जाकर बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, वर्तमान में भी अभी माइक पोम्पियो जी आए, तो काफ़ी ज़्यादा भारत के लोग आकर्षित हुए हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, यानी कि भारत के लोग अब डोनाल्ड ट्रंप जी को वोट देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जो भारत के लोग वोट देते हैं वही जीतता है, नहीं, भारत ने इससे पहले डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट थे उनको वोट दिया था, लेकिन जीते रिपब्लिकन पार्टी के थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जीते थे लेकिन अब क्या है, रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप को
वो वोट देंगे। इसके उल्टा डेमोक्रेट पार्टी जो है वो अब इंडियन पीपल का वोट हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो क्या करेगी। एक्चुअल में आपने एक घटना देखी होगी कि अभी बीच में हाल ही में कुछ समय पहले अमेरिका में ब्लैक और वाइट पीपल के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा आंदोलन आपने देखे होंगे। वही चीज़ सेम चीज़ है, रिपब्लिकन पार्टी जो है वाइट पीपल्स यानी गोरे लोगों को ज़्यादा समर्थन करती है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी ब्लैक पीपल। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। ईसाई समुदाय के भी लोग दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी में मुस्लिम लोग भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी का झुकाव ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के साथ रहता है। ठीक है, कुछ झुकाव रिपब्लिकन की तरफ भी रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को महत्व ज़्यादा नहीं देती है रिपब्लिकन पार्टी, जबकि डेमोक्रेट पार्टी पर्यावरण को बहुत महत्व देती है। ठीक है, मृत्युदंड के समर्थन में रहते हैं रिपब्लिकन पार्टी, मृत्युदंड एक विशेष मुद्दा बनकर रहता है अमेरिका में। दोस्तों मृत्युदंड का समर्थन करते हैं रिपब्लिकन पार्टी, जबकि मृत्युदंड का विरोध के समर्थक हैं काफ़ी मात्रा में डेमोक्रेट के। ठीक है, सैन्य मुद्दा बहुत अहम रहता है, क्योंकि अगर देखें तो सुपर पावर के रूप में अमेरिका जाना जाता है पूरी पृथ्वी पे, तो सैन्य मुद्दा भी अहम रहता है। ठीक है, तो सैन्य मुद्दा यानी कि खर्चे, सैन्य सामग्री में खर्चे तो बढ़ाने के समर्थन में रहती है रिपब्लिकन, और सैन्य मुद्दों यानी सैन्य खर्चों यानी सैन्य से संबंधित, सेना से संबंधित कोई भी चीज़ हो उसको कम आकर चलती है डेमोक्रेट। ठीक है, एक बड़ा सा चीज़ है। ठीक है, और टैक्स यानी कि कर, कर बहुत मायने रखता है अमेरिका में। तो टैक्स के मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी बहुत ही नरम है, वह टैक्स को कम करती है और भत्ते को ज़्यादा करती है। ठीक है, इसके उल्टा टैक्स को डेमोक्रेट ज़्यादा करती है और भत्ते को कम करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो पार्टियाँ हैं उनके लीडर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि जिस प्रकार इंडिया में आप रहते हैं तो आपको कोई भी साधारण सा हथियार या फिर अपनी रक्षा के लिए खरीदना पड़े, काफ़ी ज़्यादा प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका में ये सब नहीं होता है। अमेरिका में जिस प्रकार हम लोग अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं वो आ जाता है, उसी प्रकार हथियार हर अमेरिकी नागरिक के पास रहते हैं, इतनी मात्रा में रह सकते हैं कि समझिए कि एक आम नागरिक या फिर वो जितने मोबाइल खरीद सकते हैं उससे ज़्यादा अमेरिका के लोग हथियार खरीद सकते हैं। किस पार्टी के, कौन सी पार्टी इस चीज़ का समर्थन करती है, वह है रिपब्लिकन, जबकि इसके उल्टा डेमोक्रेट पार्टी इसका विरोध करती है कि आम नागरिकों के पास हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ वीज़ा। वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा सख्त रहती है रिपब्लिकन पार्टी, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा विवाद इन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय में हुआ, जिसमें वीज़ा मिलना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया था। तो ये पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिकन पार्टी की, यूएस फर्स्ट, अमेरिका पहले होगा, वो इस अमेरिका के पहले में चाहे जो कुछ भी हो वो अमेरिका को हमेशा पहले लाना चाहता है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी चाहती है कि सभी आए, सभी देश से लोग आए, जिससे एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन बना रहेगा, जिससे अमेरिका के लोग कुछ एक्टिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न विभागों में अपने प्रतिस्पर्धा को दिखा सकेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के समय में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी में किस प्रकार इंडिया के लिए व्यू पॉइंट्स हैं किस प्रकार से, तो दोस्तों बात करें तो हम ये देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जिसे कहा जाता था कि वो इंडिया के लिए बहुत तरीके से अच्छी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप के समय काल में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आए हैं भारत के, जबकि डेमोक्रेट पार्टी को कहा जाता था ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है इंडिया को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका उल्टा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक को मदद कम की, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के समय करीब $650 मिलियन का एक आर्थिक पैकेज पाकिस्तान को जाता था, जिसे अब आधा कर दिया गया है। एक तरह से कहें तो रिपब्लिकन पार्टी भारत के समर्थन में है और डेमोक्रेट पार्टी कुछ हद तक पाकिस्तान के समर्थन में रहती है। वेपन आप देखें तो रिपब्लिकन पार्टी के समय भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज में भी कटौती की गई है और वेपन्स भी बंद किए गए हैं कि वो खरीद सके, जबकि कई एग्रीमेंट डेमोक्रेट पार्टी में पाकिस्तान के साथ भी हुए, भारत के साथ भी हुए, जब उसे लगा कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क में जब आतंकी हमला हुआ था उसके जो सरगना थे वो पाकिस्तान में पाए गए, तो डेमोक्रेट पार्टी का भी कुछ जो उन्होंने बुद्धि भी लगाई और उनका कुछ जो सोचने की क्षमता थी पाकिस्तान और भारत को लेकर वो भी एक अलग हुई। दोस्तों वेपन्स की बात करें तो वेपन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत खरीद रहा है अमेरिका से भी, हालांकि भारत रशिया फ्रांस इजराइल से खरीदता था, लेकिन अब अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा वो महत्व देता है। एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, जैसे कि MTCR में ग्रुप में शामिल हुआ भारत, लेमोआ, कोमोस्का और BECA जो वर्तमान में हुआ है, और NSG एग्रीमेंट पर कोशिश कर रहा है अमेरिका कि भारत भी शामिल हो। अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत शामिल होता है एक बहुत अच्छी बात होगी,
और सबसे बड़ी बात है कि रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी एंटी चाइना यानी कि चाइना के विरोध में रहती है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी वो पाकिस्तान के लगाव में भी रहती है, वो प्रो चाइना भी वह है, यानी कि चाइना से भी वो अच्छा संबंध बना के रखती है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो ट्रेड वार हुआ है वह चाइना और अमेरिका के बीच हुआ है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी इसके उल्टा है, वह सॉफ्ट रहती है ट्रेड में। अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के सॉफ्ट रहते हैं। डेमोक्रेट पार्टी के अगर जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं तो पाकिस्तान के प्रति भी उनका जो रुख होगा वो सामान्यतः सॉफ्ट होगा, और चाइना को भी लेकर रुख उनका सामान्यतः सॉफ्ट होगा। अब दोनों चीज़ों में ये चीज़ ये है कि जिस प्रकार भारत और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बीच के समय काल में जो रिश्ते मजबूत हुए हैं वह क्या जो बाइडन के काल में हो सकते हैं, ये आपकी क्या राय है जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और भारत ने जहाँ तक है पूरी कोशिश की है पाकिस्तान को उसके जो रियल उसका फेस है उसको सामने लाने में, उसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद भी की है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, अगर जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फिलहाल ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए कि डोनाल्ड ट्रंप के समय भारत किस तरह से था और जो बाइडन के समय भारत किस तरह से होगा। ठीक है, जो बाइडन मैंने बताया कि वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है पाकिस्तान और चाइना को लेकर, और रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो थोड़ा एंटी चाइना है और पाकिस्तान को भी वो थोड़ा सीरियसली लेते हैं और भारत की तरफ वो भारत को एक अच्छा साझेदार बनाते हैं। आपने अभी क्वाड कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, जिसमें चार कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक बहुत मजबूत टीम अप कर रही हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ क्वाड कंट्रीज़ पर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।